अयोध्या में बनने से पहले ही दोस्तों यहाँ कोलकाता में बहुत ही शानदार दोस्तों राम मंदिर बन चुका है। बिल्कुल ऐसा भाई फील हो रहा है कि भाई सचमुच में हम लोग दोस्तों जो है राम मंदिर का दर्शन कर पा रहे हैं भाई, रियली गजब। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस सुबह सुबह आप देख सकते हो, फिलहाल अभी हम लोग आ चुके हैं अपने मस्त सासाराम जंक्शन पर। और गाइस आज फिलहाल अभी हम लोग जो है मस्त यहाँ से भाई दूर जाने वाले भाई, यहाँ से जो है अभी हम लोग जा रहे वाले हैं भाई कोलकाता, वेस्ट बंगाल। लिटरली भाई दुर्गा पूजा भाई, कोलकाता का इस बार का दुर्गा पूजा भाई नहीं छोड़ना है भाई, पूरा भाई वहाँ का दुर्गा पूजा एक्सप्लोर करने वाले हैं। और जैसे ही हम कोलकाता से भाई रिटर्न होंगे तो आपको सासाराम का भी दुर्गा पूजा पंडाल जरूर दिखाएंगे। तो चलिए फिलहाल अभी हम लोग चलते हैं सासाराम जंक्शन से भाई प्लेटफॉर्म की ओर। तो भाई देख लो भाई यहाँ पर भाई क्या हो गया भाई, पूरा जो दीवार है भाई तोड़ दिया गया भाई। इधर में जो है मस्त मस्त भाई साहब पेंटिंग वगैरह बनाया था, सब खत्म हो गया भाई। फाइनली हमारी ट्रेन आ चुकी है भाई साहब, देख लो ट्रेन में भीड़ भाई, एकदम एक्सट्रीमली भाई भीड़ है यहाँ पर ट्रेन के अंदर भाई। फिलहाल अभी हम लोग जिस ट्रेन से भाई ट्रेवल कर रहे हैं, इस ट्रेन का नाम है अजमेर सियाला एक्सप्रेस, अजमेर सियाला सुपर फास्ट एक्सप्रेस। ये जो ट्रेन है अजमेर से आ रही है और सियाला तक दोस्तों जाने वाली है। तो फिलहाल हम लोग को तो अभी सियाला ही जाना है भाई। गाइस फिलहाल अभी हम लोग पहुँच चुके हैं गया, और गया में फाइनली भाई हमको सीट मिल चुका है। ये देख लो पूरा अभी जो ट्रेन गया है भाई खाली हो चुकी है भाई। चलिए हम मस्त बैठ कर यहाँ से चलते हैं सीधे कोलकाता। तो गाइस फाइनली पहुँच चुके हैं द सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। तो गाइस फिलहाल अभी आप देख सकते हो, फिलहाल अभी हम लोग पहुँच चुके हैं फाइनली गाइस कोलकाता सासाराम से भाई। लगभग 10 घंटा के ट्रेवल करने के बाद भाई फाइनली आखिरकार कोलकाता में हम लोग भाई पहुँच चुके हैं। फिलहाल ये देखो आप, ये जो स्टेशन है भाई ये सियालदा स्टेशन है। और मैं आपको बता देता हूँ गाइज, आज मैं आपको यहाँ का बहुत ही भव्य बहुत ही शानदार आपको दुर्गा पूजा पंडाल दिखाने वाला हूँ, जो कि दोस्तों जो है अयोध्या के राम मंदिर के तर्ज पर दोस्तों बनाया गया है। तो बहुत ही नज़दीक है, ज़्यादा दूर नहीं है, सियालदा रेलवे स्टेशन से जो है मतलब 1 किलोमीटर दूर है संतोष मित्रा स्क्वायर क्लब। तो वहीं पर अभी हम लोग चलने वाले हैं। अयोध्या का राम मंदिर पहले बनने से दोस्तों जो है कोलकाता में बहुत ही शानदार दोस्तों राम मंदिर बन गया है। तो चलिए हम वहाँ पर चलते हैं और पूरा आपको जो दुर्गा पूजा भव्य पंडाल है कोलकाता का वो हम आपको एक्सप्लोर करते हैं। भाई साहब देख लो भाई, सियालदा रेलवे स्टेशन पर भीड़ कितना भाई, एकदम अल्टीमेट लेवल का भाई भीड़ है। कोलकाता का भीड़ भाई देख लो भाई, दुर्गा पूजा में खतरनाक वाला भीड़ भाई रेलवे स्टेशन के पास में। सब सकते हो रेलवे स्टेशन के पास इतना भीड़ है तो दुर्गा पूजा पंडाल के पास कितना भीड़ होगा भाई। तो गाइस फाइनली अब हम लोग पहुंच चुके हैं श्री राम मंदिर अयोध्या जाने की तरफ भाई। देख लो यही जो यहाँ है, यहीं से हम लोग को मुड़ना है और यहीं से दोस्तों फिलहाल जो हम लोग है दोस्तों भव्य राम मंदिर की ओर भाई जाएंगे भाई। चलिए रियली ब्यूटीफुल दोस्तों, अभी आप देख सकते हो इस वाले रास्ते में दोस्तों यहाँ पर एक और बहुत ही शानदार यहाँ पर पंडाल बनाया गया, देख सकते हो गाइस, जो कि आप पूरा आप देख सकते हो पंडाल है ढोल नगाड़ों के साथ में भाई बनाया गया। और बिल्कुल सामने में आप यहाँ पर माता का दर्शन कर सकते हो, माता दुर्गा का जय माता दी, क्या बात है भाई। देख लो यहाँ पर भाई जो है स्टार्टिंग में यहाँ पर जो है ढोल नगाड़ा वाला दोस्तों यहाँ पर बहुत ही शानदार यहाँ पर पंडाल बनाया गया। हालांकि यहाँ पर तो माता का जो पट में है वो नहीं खुला हुआ है, और इसी मतलब पंडाल के आगे में थोड़ा सा है दोस्तों भव्य राम मंदिर, चलिए वहाँ पर आपको लेकर चलते हैं भाई। दोस्तों अभी फिलहाल अभी आप देख सकते हो प्रभु राम श्री राम मंदिर का दोस्तों पहला झलक, अभी आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर जो है मस्त लाइटिंग से दोस्तों ये जो है यहाँ पर बनाया गया है, और इसके अंदर जो है बहुत ही शानदार दोस्तों अयोध्या का राम मंदिर भाई बनाया गया है। कुल भाई हम लोग को इधर से जाना है भव्य राम मंदिर की ओर भाई। ये देखिए भाई यहाँ पर भीड़ एकदम भाई पूरा भाई खचा खच भाई भीड़ लगा हुआ है यहाँ पर। तो दोस्तों फिलहाल अभी हम लोग राम मंदिर के एकदम बिल्कुल पास आ चुके हैं, जहाँ से दोस्तों मेन एंट्री जो है वो होती है। फिलहाल अभी आप देख सकते हो मेन एंट्री पर भाई साहब एकदम यहाँ पर पूरा खचा खच भाई भीड़ है यहाँ पर। ये देख लो भाई एकदम खतरनाक लेवल का भाई यहाँ पर भीड़ लगा हुआ है। जय श्री राम, जय श्री राम। दोस्तों फिलहाल अभी आप देख सकते हो अयोध्या का राम मंदिर दोस्तों बहुत ही भव्य बहुत ही शानदार कोलकाता में दोस्तों बन चुका है, अयोध्या में बनने से पहले ही, रियली गजब क्या सीन है दोस्तों। और भाई साहब यहाँ पर भीड़ भी आप देख सकते हो भाई एकदम खतरनाक लेवल का भाई यहाँ पर भीड़ है, रियली गजब। दोस्तों अभी आप देख सकते हो
अयोध्या का बहुत ही शानदार बहुत ही भव्य राम मंदिर। भाई साहब देख लो कितना भव्य कितना शानदार भाई लग रहा है भाई। वैसे तो अभी अयोध्या में जो राम मंदिर है बना नहीं है, लेकिन भाई अयोध्या में राम मंदिर बनने से पहले ही भाई यहाँ कोलकाता में बहुत ही भव्य राम मंदिर बन गया। आप देख सकते हो तो यहाँ पर मस्त लाइटिंग से दोस्तों जो मंदिर है जो पंडाल है दोस्तों इसको एकदम अच्छा से इसको डेकोरेशन किया गया है भाई एकदम। और पूरा यहाँ पर भाई लोगों के बीच में भाई यहाँ पर आप देख सकते हो जो पूरा यहाँ पर जो लोग है भाई यहाँ पर जय श्री राम नारा लगा रहे हैं। जय श्री राम राम जय श्री राम जय श्री राम राजा राम। वाह दोस्तों अभी आप देख सकते हो कोलकाता का बहुत ही शानदार दुर्गा पूजा पंडाल आप देख सकते हो जो कि दोस्तों अयोध्या के राम मंदिर के तर्ज पर बनाया गया। वैसे तो जो अयोध्या का राम मंदिर है वो अभी नहीं बना हुआ, लेकिन गाइस अयोध्या में बनने से पहले ही दोस्तों यहाँ कोलकाता में बहुत ही शानदार दोस्तों राम मंदिर बन चुका है बिल्कुल पीछे में आप देख सकते हो गाइस। और भाई साहब देख सकते हो यहाँ पर लोगों की भाई एकदम अल्टीमेट पूरा भीड़ है, पूरा यहाँ पर जो लोग हैं यहाँ पर पंडाल देखने के लिए भाई साहब आए हुए। वैसे में आप आज दोस्तों जो है नवरात्र का चौथा दिन है, नवरात्र के चौथा दिन भी आप देख सकते हो भाई कितना गजब लेवल कितना ज्यादा लेवल का भाई साहब यहाँ पर भीड़ देखने को मिला एकदम खतरनाक लेवल। और बिल्कुल सामने में आप देख सकते हो यहाँ पर फिलहाल अभी हम लोग जो है पंडाल के अंदर भाई प्रवेश करने वाले हैं भाई। यहाँ से बिल्कुल ये देख लो पंडाल में एंट्री करने का यहाँ से भाई रास्ता है। चलिए हम लोग पंडाल के अंदर चलते हैं और पंडाल के अंदर से दोस्तों जो है माता का बहुत ही भव्य प्रतिमा है दोस्तों। फाइनली अब हम लोग दोस्तों पंडाल के अंदर आ चुके हैं और भाई अंदर से आप देख सकते हो वाओ रियली गजब। और यहाँ पर बिल्कुल आप माता का दर्शन करते हो माता दुर्गा का। जय माँ दुर्गा जय माँ भवानी रियली गजब बहुत ही भव्य। अभी आप माता दुर्गा का दोस्तों दर्शन कर सकते हो गजब। और बिल्कुल आप पंडाल में का भाई देख सकते हो अंदर से जो इंटीरियर है कितना भव्य कितना शानदार दोस्तों इस पंडाल को भाई बनाया गया है। इधर में आप माता दुर्गा का दर्शन कर सकते हो और इधर यहाँ पर राम मंदिर के यहाँ पर जो है झूमर लगाया गया है जो कि देखने में भाई बहुत ही शानदार भाई लग रहा है। और इधर में आप जय श्री राम आप देख सकते हो प्रभु राम सीता का यहाँ पर आप देख सकते हो फोटो लगाया गया है। जय माता दी। तो फिलहाल अभी हम लोग दोस्तों जो है पंडाल से बाहर निकल चुके हैं और भाई यहाँ पर पंडाल पर जो है लाइटिंग शो भी भाई शुरू हो चुका है। चलिए हम आपको पंडाल का जो इस पंडाल पर दोस्तों जो लाइटिंग शो लगाएगा वो हम आपको दिखाते हैं भाई। वाह दोस्तों अभी आप देख सकते हो राम मंदिर बाहर का लुक दोस्तों बहुत ही शानदार बहुत ही भव्य। वाओ बहुत ही भव्य है दोस्तों। अभी आप देख सकते हो यहाँ पर लाइटिंग शो गजब। आप देख सकते हो भव्य राम मंदिर और बिल्कुल सामने में यहाँ पर आप देख सकते हो हनुमान जी का यहाँ पर प्रतिमा बनाया गया है। जय श्री राम। वाओ दोस्तों अभी आप देख सकते हो कोलकाता के सियालदह में बना हुआ है अयोध्या के तर्ज पर बहुत ही शानदार दोस्तों राम मंदिर जो कि आप देख सकते हो भाई कितना मस्त कितना शानदार दोस्तों यहाँ कोलकाता में दोस्तों अयोध्या राम मंदिर का दोस्तों रेप्लिका बनाया गया है बिल्कुल भाई। जो अयोध्या में मतलब जिस तरह से जो राम मंदिर बन रहा है ठीक उसी तरह का दोस्तों ये जो पंडाल है भाई साहब एकदम रियल लग रहा है भाई। थोड़ा सा भी नहीं लग रहा है कि जो पंडाल दोस्तों जो है कॉपी बनाया गया ऐसा भाई फील हो रहा है कि भाई सचमुच में हम लोग दोस्तों जो है राम मंदिर का दर्शन कर पा रहे हैं भाई रियली गजब। और देख सकते हो जो यहाँ पर इस पंडाल में जो लाइटिंग लगाई गई वो भी भाई बहुत ही शानदार है भाई। ये जो पंडाल देख रहे हो भाई कोलकाता के सियालदह में ये संतोष मित्रा स्क्वायर द्वारा बनाया गया जो कि आप देख ही सकते हो जो ये पंडाल है भाई साहब कितना भव्य कितना शानदार दोस्तों यहाँ कोलकाता के सियालदह में दोस्तों बनाया गया भाई। तो यही है दोस्तों यहाँ कोलकाता का सियालदह में का बहुत ही शानदार अयोध्या में के राम मंदिर के तर्ज पर बहुत ही भव्य दुर्गा पूजा पंडाल जो कि आप देख ही सकते हो भाई बहुत ही शानदार दोस्तों इस पंडाल को बनाया गया। तो भाई देख सकते हो यहाँ कोलकाता में बहुत ही भव्य भाई राम मंदिर बनाया गया भाई जो कि संतोष मित्रा क्लब स्क्वायर द्वारा बनाया गया जो कि आप देख ही सकते हो भाई कितना बेहद बहुत ही
वह बहुत ही शानदार इस दुर्गा पूजा पंडाल को भाई एकदम बनाया गया भाई। आज के इस ब्लॉग को हम यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट और भी जितने भी दुर्गा पूजा पंडाल है कोलकाता के वो सब सारी हम एक्सप्लोर करेंगे। तो फिलहाल आज के इस ब्लॉग में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग द ब्लॉग गाइस, मिलते हैं आपको एक नए ब्लॉग में।